कैप्री गार्डन, वहां के क्या हाल चाल है दीपाली? जी विपिन जी, इस वक्त मैं राजौरी गार्डन एक्सटेंशन में हूँ। वेस्ट डेली का ये इलाका कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है लोकसभा के हिसाब से, और जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ वो थोड़ा स्पेशल पोलिंग बूथ है, क्योंकि ये है पिंक पोलिंग बूथ। पिंक पोलिंग बूथ की बात करें तो आज सुबह देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसी तरह के प्रेजिडेंट स्टेट में जो पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया था वहां पर वोट किया था। और खासियत ये रहती है कि यहां पर सभी कर्मचारी महिलाएं होती हैं जो पूरी वोटिंग की प्रक्रिया को निभाती है। इस तरह के राजधानी दिल्ली में करीब 70 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब बात कर लेते हैं कि फिलहाल वोटिंग कैसे चल रही है। तो जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज का आपने जिक्र किया कि 1 बजे तक करीब करीब 40% वोटिंग अगर ओवरऑल दिल्ली को देखा जाए तो हो चुकी है। अभी अंदर अगर मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये पोलिंग बूथ है। यहां पर आपको पिंक कलर दिखाई देगा, बलून से यहां पर लगाए गए हैं सफेद और गुलाबी रंग के, और यहां पर आप देखेंगे बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहां पर आपको कुछ महिलाएं भी दिखाई दे सकती हैं। आप देख सकते हैं सेल्फी यहां पर ले रही हैं। तो इस पोलिंग बूथ में मुझे वोटर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और धूप काफी ज्यादा है, गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर आप देख सकते हैं वोटर्स दिखाई दे रहे हैं। ये वेस्ट डेली संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग यहाँ पर दे रहे हैं। अगर कैंडिडेट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आपको तस्वीर बताऊं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से महाबल मिश्रा है जो कि इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहीं उनका मुकाबला है बीजेपी की कमलजीत सहरावत से। तो यहाँ पर आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं जो लोग अभी वोट डालने मैम आप अभी आए हैं अभी आप आए हैं तो आप जा रहे हैं वोट डालने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, गर्मी बहुत है इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। गर्मी तो इस टाइम भी है। हाँ, लेट। चलो अपनी गाड़ी है तो गाड़ी से आगे। हाँ ठीक है। तो वेस्ट डेली की बात करें तो कितना डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है? हाँ काफी हुआ डेवलपमेंट तो। अच्छा, तो चलिए बढ़िया है, डेवलपमेंट हुआ है। मैम आप बताएं आपने वोट डाल लिया? जी बिल्कुल। तो मैम ने दिखाई कि मैम ने अपनी इंक वाली फिंगर दिखाई है, वोट डाल लिया है। तो विपिन जी यहाँ पर अच्छी बात ये है कि वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं और मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, जो काफी राहत की बात है कि इतनी गर्मी में भी मुस्कुराहट। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। बताएं। बिल्कुल, मैंने तो आके पहले वोट डाला था, अब मैं अपने अंकल आंटी को लेके आई हूँ वोट डलवाने के लिए, और बहुत खुशी की बात है। और हम तो चाहते हैं मोदी जी की सरकार दोबारा बने। बिल्कुल, तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है, हर किसी की अपनी प्राथमिकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। जी राइट। तो ये थे दिल्ली के हाल और खासतौर पर राजौरी गार्डन के, जहाँ पर पिंक बूथ का जायजा लिया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बार के चुनाव में जब मैंने भी वोट डाला तो मुझे वो इस तरह का पिंक बूथ दिखाई दिया अमंग अदर बूथ, और वहाँ पे सारी महिला कर्मचारी, गुलदस्ते, बलून्स, और बहुत मतलब वोटिंग साइट पर ये सब देख के आपको अच्छा भी लगता है। तो गर्मी वहाँ भी थी उस दिन, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत लगी कि ये कुछ अलग तरीके के अरेंजमेंट से महिला शक्ति को यहाँ पर सम्मान एक तरीके से। अब हम चलते हैं मनोज कॉल साहब के पास, जो राजौरी जम्मू में मौजूद हैं।